क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति के आधार पर ही यूनिवर्स काम करता है। हमारा यूनिवर्स एक ऐसी दुनिया क्रिएट करने का काम करता है जैसी दुनिया हम चाहते हैं। अधिकांश लोग यही करते हैं कि उन्हें रास्ता नहीं मालूम है उनकी मंजिल तक पहुंचने का, इसी वजह से वो भटकते रहते हैं। यूनिवर्स को मालूम है कि आपको कैसी जॉब चाहिए, कैसा क्या चाहिए, लेकिन यूनिवर्स फेल यहाँ हो जाता है जहां पर आप एक साथ दो दो डिसीजन ले लेते हो। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक बहुत ही खास और कमाल टॉपिक होने वाला है और यह है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, लोगों की इच्छा यूनिवर्स कैसे पूरी करता है और हम लोग यूनिवर्स की भाषा को समझकर अपनी इच्छाएं पूरी कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी इस वीडियो में जो शायद आपसे रिलेट ना हो, लेकिन आपके अपने अनुभव उस चीज के जरूर होंगे। तो आप हमारे साथ उन एक्सपीरियंस को शेयर करें कमेंट के आधार पर, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी और भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस मिलके बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को सुधार सकता है। चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए जो यूनिवर्स है ना, वो एक बिल्कुल सागर की तरह है, विशाल सागर, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल बूंद बूंद की तरह है, पानी की तरह है, पानी की जो बूंदे होती है उनकी तरह है। सागर से हम कितनी भी बूंदे भर लें, कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लें, लेकिन वो कभी कम नहीं होगा। हमारी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता रखता है यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स की भाषा को समझना सबसे विशेष बात है, सबसे जरूरी बात है। यूनिवर्स एक ऐसा कहें कि ऐसा जरिया है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने का काम करता है, क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति के आधार पर ही यूनिवर्स काम करता है। हमारी इच्छाओं के आधार पर यूनिवर्स काम करता है। यूनिवर्स हमारी इच्छाओं को पूरी करने का काम करता है। यूनिवर्स एक ऐसी दुनिया क्रिएट करने का काम करता है जैसी दुनिया हम चाहते हैं। यूनिवर्स उस मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है जहां हम जाना चाहते हैं। बट प्रश्न ये रहता है कुछ लोगों का कि फिर सब लोग अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते, सब लोगों की इच्छाओं पूरी क्यों नहीं होती, सब लोग अपने मन चाहे पर्सन को लाइफ में क्यों नहीं ला पाते हैं, सभी लोग अपनी मनचाही जॉब क्यों नहीं पा सकते, सभी लोग ऐसी नौकरी या ऐसी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं जो वो चाहते हैं, सभी लोग ऐसा परिवार क्यों डेवलप नहीं कर पाते हैं, ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जी पाते हैं जो वो चाहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है कि उन्हें सही रास्ता नहीं पता है। यूनिवर्स कैसे काम करता है उन्हें ये नहीं पता है। मान लीजिए कि हमें मुंबई जाना है, मैं उन लोग को नहीं कह रहा हूं जो मुंबई में रहते हैं, जो आसपास रहते हैं उन लोग की बात करता हूं। उन लोग को अगर मुंबई जाना है तो उन्हें मुंबई का सही रास्ता मालूम होना जरूरी है, वो तभी मुंबई पहुंच पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति अचानक से मुंबई जाने लगेगा बिना किसी जांच और पड़ताल के और पते के, तो क्या होगा कि वो भटकता रहेगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा हो सकता है कि इत्तेफाक से वो वहां पहुंच जाए, लेकिन अधिकतर चांसेस हैं कि वो भटकता रहेगा। सेम अधिकांश लोग यही करते हैं कि उन्हें रास्ता नहीं मालूम है उनकी मंजिल तक पहुंचने का, इसी वजह से वो भटकते रहते हैं। कोशिश बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, लेकिन वो सही तरीके से कोशिश नहीं करते। कुछ अनुभवी लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग कहते हैं कि अगर मंजिल तक पहुंचना है तो ये जरूरी नहीं है, ये मायने नहीं रखता कि आपके काम करने की स्पीड कितनी है, बल्कि मायने ये रखता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। तो सेम वही तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस दिशा में एक्शन ले रहे हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है तो एक्शन आपका यह है कि आप खाना खाएं, यह आपका एक्शन है। लेकिन अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि वो आपका गलत एक्शन है, गलत डिसीजन है पानी पीना। यूनिवर्स वो सब करता है जो उसे करना चाहिए जिससे हम अपनी मंजिल तक जाते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में उन सारी चीजों को अनुभव किया है कि यूनिवर्स वास्तव में किस तरह से काम कर रहा है। जब हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं, यूनिवर्स से कोई विश करते हैं, यूनिवर्स को मालूम है कि आप ऐसी चीजें चाहते हैं, ऐसी जिंदगी चाहते हैं, यूनिवर्स सेम वैसा ही योग बनाता है।
कि आपको ये चीज दिलाई जाए, वो चीज प्रोवाइड की जाए, लेकिन क्या होता है कि आप या तो अनजाने में या जानबूझकर या जानकारी के अभाव में आप उन चीजों को खो देते हैं, उन मौकों को खो देते हैं यूनिवर्स दे रहा है। यूनिवर्स सिर्फ आपको मौके ही तो दे सकता है, एक्शन लेना आपका काम है, क्योंकि कर्म का भी तो एक चक्कर है ना, कर्म का अपना सिद्धांत है, ये कहा जाएगा आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो कर्म का भी अपना एक सिद्धांत है। यूनिवर्स सिर्फ आपको ऑफर देगा, मौके देगा, यूनिवर्स वो योग बनाएगा। यूनिवर्स कैसे काम करता है इस बात को समझने के लिए अपने एक उदाहरण लेते हैं। आप जानते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका सैड स्वभाव है, आपका फ्रेंकली स्वभाव है, आपका मेच्योर स्वभाव है, नेचर है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि जैसे आप हैं आपसे बिल्कुल वैसे ही लोग कनेक्टेड हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजता है जैसे लोग आप चाहते हैं। आप देखते होंगे कि अगर आप एक सीरियस सच्चे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपसे अधिकांश लोग वैसे ही जुड़ेंगे। अगर आप थोड़े रौबदार व्यक्ति हैं, जिन्हें अलग टाइप के लोग बोलते हैं ना, जो जो थोड़े से धाकर टाइप से रहते हैं, तो वैसे ही उनके फ्रेंड्स होंगे, वैसे ही सर्कल में लोग होंगे। तो ये क्या है, यूनिवर्स जानता है कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, कैसे लोग चाहिए, तो वैसे ही लोगों को आपकी लाइफ में लाता है। लेकिन उस वो इस तरह से काम करता है कि आप उस चीज को समझ नहीं पाते हो। वैसे ही यूनिवर्स को मालूम है कि आपको कैसी जॉब चाहिए, कैसा क्या चाहिए, लेकिन यूनिवर्स फेल यहां हो जाता है। फेल का मतलब है कि यूनिवर्स यहां पर कंफ्यूज हो जाता है, जहां पर आप एक साथ दो डिसीजन ले लेते हो, या फिर एक साथ आप हाँ भी करते हो और ना भी करते हो। जैसे आप कहते हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, कुछ समय तक आप कहते हो हाँ चाहिए हाँ चाहिए, बाद में आप कहते हो कि कोई फायदा नहीं इस जॉब से, मैं कोई दूसरी जॉब देखता हूं। तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्स आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाता है। तो अगर आपका सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी सोच बिल्कुल स्पष्ट है, तो यकीन मानिए आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। क्योंकि अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए पिछला कदम छोड़ना ही, पिछली सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ता है। तो सेम यूनिवर्स आपकी तभी हेल्प कर पाएगा जब आप अपने जीवन के सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में गुजर जाएगी, यूनिवर्स कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और 99% लोगों के साथ यही होता है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मौके आते हैं, यूनिवर्स उन्हें मौके देता है, यूनिवर्स किसी के साथ कोई गई नहीं करता, लेकिन वो इसी वजह से रह जाते हैं, चाहे वो जिम्मेदारियों की वजह से समझ लीजिए, चाहे वो उनकी खुद की आलस की वजह से समझ लीजिए, चाहे उनकी खुद की कंफ्यूजन की सोच की वजह से समझ लीजिए। यूनिवर्स काम कैसे करता है, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं यूट्यूब का। आप जानते हैं कि आप जैसी वीडियोस को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब वैसी ही वीडियोस को रिकमेंड करता है, वैसी ही वीडियोस आपके सामने लाता है। अगर आप धार्मिक चीजें देखते हैं तो यूट्यूब धार्मिक चीजों को आप तक पहुंचाता है। कोई नई अगर किसी धार्मिक व्यक्ति ने वीडियो अपलोड की होगी तो वो सबसे पहले आपके पास तक आएगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को मालूम है कि आप ऐसी चीजों को देखना पसंद करते हो। सेम यूनिवर्स भी वैसे ही काम करता है, जैसी चीजों को आप पसंद करते हो वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में भेजता है। लेकिन जिन लोगों जो लोग असंतुष्ट है वो उनकी खुद की सोच की वजह से है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इच्छा शक्ति पर काम करता है। आपकी इच्छा शक्ति अगर कंफ्यूजन वाली है तो आपकी जीवन में कंफ्यूजन बनी रहेगी, आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल है, नो डाउट वाली है, तो आपके जीवन एकदम संतुष्ट रहेगा, वहां तक आप पहुंच जाएंगे जहां तक आप चाहते हैं। मेरे विचारों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण।